वासु फाउंडेशन के सपोर्ट से 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 5,000 मास्क जसवा डिस्ट्रिक्ट के लिए दिए गए। प्रत्युष पंडा ने अपने पिता वासुदेव पंडा के डेथ के बाद वेस्टर्न उड़ीसा के कई ऐसे जगहों पर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर डोनेशन कार्यक्रम में CDMO ने अपना प्रतिक्रिया रखते हुए कहा कि वासु फाउंडेशन की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया है ये एक महान कार्य है, जिसके लिए उन्होंने अपने और अपने जिले वासियों की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पोस्ट कोविड में भी काम आएगी और थर्ड वेव आने की जो संभावना है उसके लिए भी काम आएगी। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें और वैक्सीन जरूर लगाएं। वासुदेव पंडा तर देहांत पर सुपुत्र प्रत्युष पंडा द्वारा गोटे ना वासु फाउंडेशन से रेडी कर बम्बे में मुंबई में पश्चिम ओडिशा बहुत जगार से ऑक्सीजन कन्सल्टर दे सारे संगे मोर जोजोग से कही कि ब्रजराजनगर भी जितेटा लगे मुझे सांगे सांगे पठेदेवि जेहेतु वासुदेवा जन्मस्थान से ब्रजराजनगर को बेसी गुरुत्व दौरान से प्रथम फेज में से 8 ऑक्सीजन कन्सल्टर आज आमको पठाई जो थे आम खलियाकानी दुईटा राजपुर गोटे लखनपुर गोटे भेलपाट गोटे और तीन गोटी आम एस आई छक युवक संघ जो पिला एस आई छक रमें डोर टू डोर सर्विस जगह देवु धन्यवाद देवी मु प्रत्युष पंडा को एवं आज तर बापा स्वप्न से साकार कर बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। आज जो कार्यक्रम आयोजन कराई आमर वासु फाउंडेशन तरफ आमको 8 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर से डोनेट कर महत् कार्य वासु फाउंडेशन जो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मोर तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छी मो तरफ आम जिलावासी तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छी आशा करी से हाथ भविष्य में आम प्रति बढ़े रखिए आम जिले जो कोविड मुकबिल सक्षम हो इनफैक्ट ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इटा पोस्ट कोविड पर कम को आम आसो छाड़ी आम जो थर्ड वेव आसवे मैंने संभावना अच्छी हेलो एवरीवन, दिस इज सुधा अवस्थी फ्रॉम उड़ीसा झारसुगुड़ा। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैंने 2019 में मिसेस आइवा गॉर्जियस का खिताब जीता था। फिर 2020 में मिसेस पॉपुलर क्वीन का ट्राई किया, कई सारे मेकअप मैंने अपने ऊपर किए। उसके बाद अब मैं कई मेकअप मैं सारे मेकअप्स कवर करती हूँ, प्रोस्थेटिक मेकअप, सेलिब्रिटी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप। मैंने कई सारे कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट शो किए हैं। उसके बाद मैं खुद भी एक ऑर्गेनाइज़र हूँ, मैंने कई सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था मेकअप कंपटीशन का, जिसमें कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, तो मैं कोशिश करूँगी ऐसे कई सारे लोग जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है आगे बढ़ने का, उनको आगे लेकर आऊं, ताकि उन पर एक आत्मविश्वास जगे। के फील्ड में भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं कई सारे जगहों पर मेकअप प्रोवाइड करती हूँ, जैसे भुवनेश्वर, बलंगीर, संबलपुर, कोरबा, रायपुर। एक फ्रीलांसर भी हूँ और लोकल एरिया में भी मेकअप प्रोवाइड करती हूँ। मैं मेकअप की ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ और कई सारे बैचेस मेरे चल रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट सीख कर गए हैं जो अभी अपना काम कर रहे हैं और वो भी बहुत खुश है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट इतनी जल्दी इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं।